हे गाइस, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आज हम भारत और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज की बात करेंगे, जिसमें पहले इनिंग पे इंग्लैंड की टीम ने 578 पर ऑल आउट हो गया और रूट ने 218 रन और बेन स्टोक्स ने 82 रन बनाए थे। और दूसरी इनिंग में तीसरे दिन 257 रन से पर 6 विकेट पर सुंदर और अश्विन खेल रहे थे और पंत ने अति अच्छी पारी खेली, 51 रन बने थे। 88 बॉल पे 9 चौके और 5 छक्के मारे थे और भारत को अब फॉल ऑन का खतरा बढ़ गया था। वह सुंदर ने अत्याशी पारी खेलकर 85 रन 138 बॉल पे 12 चौके और 2 छक्के मार के भारत को फॉल ऑन का खतरा दूर किया। और आर अश्विन ने भी 33 रन मारे और तीसरी इनिंग चौथा दिन इंग्लैंड की टीम 178 रन पे सिमट गई और इसमें 178 रन पे इंग्लैंड की टीम सिमट गई। इसमें 6 विकेट आर अश्विन ने लिए, 2 विकेट सुभाष नदीम ने, 1 विकेट ईशांत शर्मा, 1 विकेट बुमराह ने लिया। और चौथे दिन भारतीय बल्लेबाजी आई और 39 रन पे 1 विकेट गंवा दिया, जिसमें गिल 15 पर और पुजारा 12 रन पर खेल रहे हैं। और एक बार फिर रोहित शर्मा 12 रन पर आउट हो गए, जिसमें 1 चौका और 1 छक्का मारा था। और भारत को 419 रन का लक्ष्य मिला, जिसमें 39 रन पे 1 विकेट भारत की टीम गंवा चुकी है। अभी तक भारत को जीतने के लिए 380 रन की ज़रूरत है और भारत अभी भी जीत सकता है या ड्रॉ भी करा सकता है। और इंग्लैंड को जीतने के लिए 9 विकेट चाहिए और भारत को 381 रन की ज़रूरत है। और आज का दिन देखें तो आज का दिन भारत के नाम रहा है कई तरीके से, और भारत जीत भी सकता है, ड्रॉ भी करा सकता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।